Assalamualaikum friends, welcome back to AS Family Vlogs. तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं इनाया की स्टोरी कि इनाया कैसे इस दुनिया में और हमारी खुशनुई दुनिया में आई थी और उसने इन चमकते सितारों की तरह हमारी जिंदगी को रोशन कर दिया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम अयान की स्टोरी पहले शेयर कर चुके हैं अपने ब्लॉग चैनल में, तो आप ज़रूर उस स्टोरी को देखें और बहुत सारा प्यार दें स्टोरी को। ये स्टोरी भी बहुत मतलब रोलर कोस्टर जैसी है, इसमें बहुत कुछ हुआ है ऐसा, क्योंकि हमको लग रहा था कि जैसा हम सब जानते हैं कि फर्स्ट चाइल्ड के बाद में सेकेंड चाइल्ड की जो भी निशानियाँ हैं, हमको लगा शायद वैसे हुआ। और जो सबीरा का एक्सपीरियंस है वो सबीरा बताएंगे आपको। तो काफ़ी कुछ है स्टोरी में जो आपको सुन के लगेगा कि मतलब हाँ, ऐसा कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारी स्टोरी मतलब बहुत अलग है, लेकिन आपको मतलब मज़ा आएगा सुन के और थोड़ा से शायद आप इमोशनल भी हो जाए, क्योंकि वो जो टाइम था बहुत ही मतलब बहुत इमोशनल टाइम था, बहुत ऐसा टाइम था कि जिसमें आप अपने आप को संभालें क्या करें मतलब। तो हम लोगों ने मतलब बहुत अल्लाह ने हिम्मत दी और आज मतलब हम इस स्टोरी को आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे। तो सबीरा आपको बताएंगे कि जो इन अयान के बाद हम लोगों ने इनाया की जो प्लानिंग थी वो हमने किस तरीके से हमने सोच रखा था, तो उसके बारे में ये बताएंगे। हाँ, तो इनाया का मतलब बॉर्न हुआ था 2017 में सितंबर में, और वो भी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल डिलीवरी से ही हुआ था। और मतलब जब हम लोग मतलब माया मतलब कंसीव करने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी ट्राई, पर हो नहीं रहा था इनाया के टाइम में। आयान के टाइम में तो हम दोनों ने मतलब दोनों के टाइम पे ही हम दोनों ने प्लानिंग करके किया था, और आयान से मतलब इनाया 5 ईयर्स छोटी है, और बस डॉक्टर का दिखाया था, चेकअप में गई थी, मतलब हो नहीं रहा था इसकी वजह से। तो हमारी एक फैमिली डॉक्टर ही है, तो उन्होंने बोला तुम कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे अंदर, सिर्फ टैबलेट मतलब दिया था हम लोगों ने खाने के लिए। तो बोला 3 महीने का कोर्स है, देखो होता है तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम लोग अल्ट्रासाउंड करेंगे, सब कुछ करेंगे, रिपोर्ट तो मतलब कुछ टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही बताएंगे क्या प्रॉब्लम है करके। तो मैंने बोला ठीक है, पर 3 महीने कोर्स कंप्लीट करने के लिए दिया था और डेली खाना था वो टैबलेट, पर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 1 महीने के अंदर ही मैं प्रेगनेंट हो गई थी नायगे टाइम में, मतलब 1 महीने के अंदर ही। मतलब काफ़ी डर गए थे, क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअली प्लान इसलिए भी किया था क्योंकि अब हर घर में ये रहता है कि 2 बच्चे हों तो अच्छे हों और दोनों को साथ मिले, और हमारी ख्वाहिश थी कि हमारी बेटी हो, तो हम उस उम्मीद को लेके चल रहे थे और अल्लाह से ये दुआ कर रहे थे कि बेटी हो। तो कॉम्प्लिकेशंस थी स्टार्टिंग में जो आई, और जैसे हम लोगों ने जो मेडिकल कोर्स जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था वो करने के बाद में चीज़ें सेटल हुई, और फिर जैसे जैसे वो एक कारवा होता है 9 महीने का एक लेडी के लिए, बहुत इमोशनली होता है, बहुत मतलब ना एक अलग उस मकाम पे ले जाता है एक औरत को माँ बनने के उसमें, और काफ़ी कुछ उनके साथ में तब्दीलियाँ आती हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, मूड स्विंग्स होते हैं। तो मैंने जैसे कहा स्टार्टिंग में तो वीडियो की, हमको भी लग रहा था कि अगर अयान की जो निशानियाँ थी शायद वही होंगी, तो ये आपको बताएं कि उस दौरान 9 महीने दौरान क्या क्या हो रहा था जो हम एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे इनाया के चांसेस में। तो आयान के दौरान तो मुझे मतलब सिर्फ 3 महीने उल्टी हुआ था, बाकी जैसा नॉर्मल मतलब लेडी को होता है प्रेगनेंसी टाइम पे ऐसा ही था, इतना मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं था। पर इनाया के टाइम में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन था मेरे में, और 3 महीने तो मैं रेगुलर उल्टी करती थी, दिन में कितनी बार करती थी वो बता ही नहीं सकती, मतलब 9 महीने तक मैंने उल्टी किया है इनाया के टाइम में, पर 3 महीना रेगुलर था। पर 3 महीने के बाद मतलब हर दिन नहीं होता था, कभी कभार हो जाता था। और 3 महीने के बाद जो फर्स्ट स्कैन करते हैं 2.5 मंथ्स में 2.5 महीने में, तब स्कैन करने के लिए हम लोग गए थे, तो बोला था डॉक्टर ने कल स्कैन करा के आओ, जिसके मतलब जिस लेडी से मैं मतलब प्रेग्नेंट हुई थी इनाया के टाइम में, तो उन्होंने बोला था, चेकअप में गई थी इवनिंग के टाइम में, तो उन्होंने बोला कल जाके फर्स्ट स्कैन करा के आओ, उसके बाद देखेंगे डेट क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसा करके, और बेबी कैसा है, हार्ट बीट कैसा है सब कुछ। पर जब जैसे बोला था ऐसे ही गई थी आयन के टाइम में, जैसे गया था मतलब ऐसे ही गई थी। पर जिस दिन हम लोग गए तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड किया था, तो उस टाइम में बेबी का हार्ट बीट कुछ भी नहीं था, है ना। हाँ, तो कुछ खाने मतलब वो काफी लोग डर गए थे। हाँ, वो शायद 8वां महीने था। नहीं, वो फर्स्ट महीने में। हाँ, तो फर्स्ट नहीं सॉरी ये 2.5 महीने में फर्स्ट स्कैन में। हाँ, फर्स्ट स्कैन में।
तो वो मतलब काफ़ी टेंशन वाला माहौल हो गया था, क्योंकि हमको आइडिया नहीं था कि मतलब क्या हो रहा है। और इसलिए लोग बोलते हैं कि आप रेगुलर चेकअप्स करें डॉक्टर के साथ में, क्योंकि आपको ऐसे घरेलू वाले जो सजेशंस हैं वो काफ़ी लोग देंगे कि भाई ये कर लो वो कर लो, लेकिन डॉक्टर ऑब्वियसली डिग्री लिए डॉक्टर हैं तो उनको पता होगा कि अगर कुछ मूवमेंट नहीं है तो। अच्छा हुआ कि सबीना ने भी नोटिस किया, हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने फिर जब वो स्कैन करवाया तो डॉक्टर ने डरा दिया, बोला कि मतलब हार्ट बीट नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा कुछ लिक्विड पी लीजिए और साथ में कुछ एक बिस्किट का पैकेट खा लीजिए, आधा घंटे के बाद फिर आइए। आप हॉस्पिटल में ही थी तो बोला आप हॉस्पिटल में रुके, आधा घंटे के बाद फिर से आइए, फिर स्कैन करेंगे, तब देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तब मैं मतलब रोने वाली थी, मतलब हॉस्पिटल से बाहर आके मैंने, तब ये अंदर नहीं गए थे मतलब कुछ ये करना था, फॉर्म फिल करना था, इसके वजह से तो वो बाहर चले गए थे। तो मैंने बोला मेरा स्कैन हो गया और हार्ट बीट नहीं है बोल रहे डॉक्टर। तो डॉक्टर ने बोला कुछ लिक्विड पीने के लिए, तो मैं पानी बोतल तो लेके ही गई थी, पर उन्होंने बोला मैं जूस लेके आता हूँ बाहर से जाके। तो बाहर पास में शॉप था तो जूस लेके आया था और एक बिस्किट पैकेट ले आया था। मैं आधा एक घंटा या 45 मिनट्स के बाद फिर से सब डॉक्टर के पास गए और तब मैं इनको लेके गई थी क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो गया था। फिर जब सेकेंड टाइम फिर से उन्होंने स्कैन किया तो बोला नहीं सब कुछ ठीक है, आप मतलब टेंशन मत लीजिए, कभी कभार ऐसा हो जाता है। पर मुझे मतलब ऐसा लगा क्योंकि शायद मैंने मतलब तब हमने घर भी शिफ्ट किया था, ये घर में आए थे मतलब जिस दिन हम लोगों ने 2 दिन पहले ही घर शिफ्ट किया था, तो शिफ्ट के टाइम तो आपको पता ही होता है घर पूरा बिखरा हुआ था। तो वो काम का टेंशन था शायद, इसके वजह से मतलब बेबी का मतलब हार्ट बीट और कुछ पता नहीं चल रहा था फोन में। तो उस टाइम पे फिर जब डॉक्टर ने बोल दिया तो कोई बात नहीं, अब टेंशन मत लीजिए, फिर भी बोला कुछ प्रॉब्लम है आप अपना डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, वो बताएगी ऐसा करके। हमने बोला ठीक है। उस टाइम पे डरने वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मतलब ये था कि अब स्टार्टिंग फर्स्ट स्कैन में काफ़ी कुछ चीज़ें कंफर्म नहीं हो पाती हैं, क्योंकि एक बेबी उस स्टेज में नहीं होता है कि आप कंप्लीट डेवलप भी नहीं होता है और क्या है क्या नहीं है, तो हमको भी वो आइडिया नहीं था। तो जो भी डॉक्टर ने बोला हमने उस हिसाब से उसको मान लिया। पर मतलब जिस हॉस्पिटल में हम लोग गए थे स्कैन करने के लिए, वो मतलब हॉस्पिटल अलग है और डॉक्टर भी अलग है, मैं जिनके पास मतलब रेगुलर चेकअप के लिए जाती थी। तो मैंने बोला ठीक है, फिर वो रिपोर्ट लेके मैं डॉक्टर के पास उसी दिन गई, उसी टाइम पे गई ना, उसी दिन गई। तो उसी दिन जाने के बाद तो डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम एक काम करो जिस हॉस्पिटल में तुम डिलीवरी कराओगी ना, तो उस हॉस्पिटल में तुम एक बार फिर से जाओ, वहाँ पे चेकअप कराओ। और वहाँ पे एक मतलब अंकल है, मतलब डॉक्टर है, बहुत पुराना मतलब डॉक्टर है वो, तो वो देखेंगे। आयन के टाइम में उन्होंने ही मतलब 3 बार अल्ट्रासाउंड किया था। डॉक्टर का नाम जरूर सल्दाना कुछ था, डॉक्टर सल्दाना जो रेजा ग्राउंड में बैठते हैं, काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर है और मतलब डॉक्टर के साथ बहुत बेहतरीन इंसान भी है, क्योंकि मतलब आप उनके पास जाएंगे तो बहुत हेजिटेशंस होती है इन लेडीज में कि भाई डॉक्टर हैं और सब लोगों को आजकल लेडी गायनी चाहिए, लेकिन जो जेंट्स हैं उनमें काफ़ी वो एक शाइनेस होता है लेडीज में कि मतलब क्या है ट्रीटमेंट कैसा होगा। तो लेकिन जो डॉक्टर सल्दाना थे वो हमको भी उसी चीज़ की टेंशन थी, लेकिन जब ट्रीटमेंट वहाँ पर हुआ और जब वहाँ पर स्कैन किया तो सभी काफ़ी खुश थी, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस थे और काफ़ी उन्होंने अच्छे से ट्रीट किया स्टाफ ने, और वो हॉस्पिटल भी काफ़ी अच्छा था, क्लीन था। क्लीनिक है मतलब ऑब्वियसली ये कोरोना से पहले की बात है, वेल बिफोर 2017 की बात कर रहे हैं, तो मतलब वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और हमारे मन में डर था वो ख़त्म हो गया। और बाद में डॉक्टर सल्दाना ने ये कन्फर्म किया कि आप जहाँ पहले गए थे, अब मैं उसका नाम तो नहीं बोलूँगा कि हम कहाँ गए थे पहले, लेकिन वो जो जगह है जो हॉस्पिटल कह सकते हैं उसको या डायग्नोस्टिक सेंटर, नहीं हॉस्पिटल ही है वो, हाँ हॉस्पिटल भी है और उनका डायग्नोस्टिक सेंटर भी है वो कर्नली में, मैं इतना कह सकता हूँ। तो वो मतलब एक्चुअली उनकी रिपोर्ट गलत थी, उनको मतलब उन्होंने सही से चेक किया थी, लेकिन डॉक्टर सल्दाना ने मतलब काफ़ी अच्छे से चेक करने के बोला कि बेबी एकदम सही कंडीशन में है, सही है और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बहुत बड़ी हम पे मेहरबानी थी कि हम लोग काफ़ी डर गए थे।
और ये भी साथ में गए, तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड को मैं बुला लूं, मतलब स्कैन करने के टाइम रूम में, तो बोला हाँ जरूर बुला लो, उनका तो हक बनता है बेबी का हार्ट बीट मतलब सुनने का, तो उनको बुला लिया। तो मतलब उस टाइम पे दोनों के आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मुझे पहले ही बता दिया था स्कैन करके बहुत अच्छा है, मतलब कुछ भी डोंट वरी, मतलब टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है, जो मतलब तुम्हारा पहला रिपोर्ट आया था ना वो सब गलत है, वो सब मत छोड़। और मतलब जिस डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने बोला था मतलब एक ही दिन में 2-3 बार अल्ट्रासाउंड नहीं कराना, क्योंकि वो कुछ लिक्विड लगा के ही मतलब अल्ट्रासाउंड करते ना, तो बेबी के लिए हार्मफुल होता है। पर कोई बात नहीं, तुम टेंशन में हो तो इसीलिए आज ही जाके दोपहर 2 बजे बैठता है वो डॉक्टर, डॉक्टर संजानंद है ना, तो बोला अभी जाके तुम्हारा मतलब टेंशन खत्म हो जाएगी, इसके वजह से तुम जाके दिखा के आओ। तो जब गई तो मैंने, मुझे डॉक्टर ने बोला, तो मैं बोला मेरे हस्बैंड को मैं बुलाऊं क्या, मतलब उनको भी मतलब टेंशन बहुत है, तो बोले बुला लो बेटी, कोई मतलब ऐसे बुलाया बोला मुझे मतलब, तो मैंने नर्स को बोला बुला दीजिए, मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं बाहर, तो नर्स जाके बुला के लाए। तो डॉक्टर ने इनको भी हार्ट बीट सुनाया, सुने ये बेबी का हार्ट बीट है, बहुत अच्छा था सब कुछ, मतलब जैसा होना चाहिए ऐसा ही था, सब कुछ ठीक था, मतलब सिर्फ वो हॉस्पिटल की वजह से हमारे बीच में मतलब कुछ ये हो गया था। तो ये जो आपको बताई हमने अपनी स्टोरी इन टर्म्स ऑफ कि कैसे प्रेगनेंसी स्टार्ट, मतलब हम लोगों ने प्लान की थी और कैसे वो जो फर्स्ट स्कैन था वो हुआ, अब आपको बताएंगे कि फर्स्ट स्कैन के बाद से लेके 9 महीने का जो सफ़र है उस दौरान, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सबिया से, क्योंकि आयान के टाइम पर जैसे मैंने कहा, तो वो सब आपको सबिया बताएंगी डिटेल में, क्योंकि आयान के टाइम में मैंने जैसे कहा था कि मतलब सडन से एक क्रेविंग हो गई थी खाने की, आइसक्रीम खाएंगे 2 बजे, लेकिन हालांकि इनाया के टाइम पे वो सब चीज़ें नहीं हुई उतनी, लेकिन जो जो हुआ वो आपको सबिया बताएंगे। तो मतलब 5-6 महीने के बाद ही मुझे खुजली स्टार्ट हो गया था, और इतनी खुजली करती थी, तो डॉक्टर को भी दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला खुजली होता है प्रेगनेंसी में किसी किसी को, तो उन्होंने मेडिसिन भी दिया था, पर मेडिसिन खा के भी मुझे कुछ आराम नहीं मिल रहा था, फिर नीम ऑयल लेके आए थे मेडिसिन मेडिकल स्टोर से जाके, उससे भी कुछ आराम नहीं मिल रहा था, तो रात को 2:30 बजे 3 बजे नेल नहीं लगा सकते थे, तो ऐसे ही मतलब सॉफ्ट से ही हमें खुजली करना है बॉडी में, तो इनको मतलब मैं भी नहीं सो पाती थी पूरी रात, और इनको भी उठाती थी खुजाओ, मतलब मेरे साथ फुल बॉडी में, मतलब की मैडम की ये करने में कि भाई उनको भी तकलीफ ना हो, तो ऑब्वियसली वो एक अनएक्सपेक्टेड सिम्टम था खुजली का, जो हमको पता नहीं था, क्योंकि इन नॉर्मल केसेस में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, तो डॉक्टर हमने पूछा कि मतलब ऐसा क्या है कि मतलब खुजली हो रही है, कहीं ये लड़की तो नहीं, कहीं ये लड़का तो नहीं, मतलब वो डाउट्स रहते हैं कि भाई कहीं इस वजह से तो नहीं, मतलब रिलेशन है उस चीज़ का, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये सब सिम्टम कुछ भी हो सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, किसी को ज़्यादा प्यास लगती है, किसी को ज़्यादा मीठा खाना होता है, किसी को खट्टा खाना होता है, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर खट्टा खाएंगे तो लड़का होगा, मीठा खाएंगे तो लड़की होगी, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। तो हमको भी वही लगा था कि मतलब खुजली है तो उसको क्या रिलेट करें कि ये लड़का है कि ये लड़की है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और हमने डॉक्टर से भी मतलब सबिया ने पूछा था, तो आपके भी आपको सबिया बताएंगी, तो हम लोग गए तो मतलब हमें मतलब फर्स्ट जब आयान हुआ था तब भी हमने सोचा था हमारा लड़की, मतलब हमें लड़की चाहिए था, मतलब फर्स्ट तो आयान हो गया तो हमने बोला सेकंड तो अभी हमें लड़की ही चाहिए, पर कोई बात नहीं जो भी होगा वो चल जाएगा, पर फिर भी मन होता है ना ऐसा, मतलब वो तो डॉक्टर के पास गई चेकअप में, तो मतलब क्या बोलते जिस लेडी ने जिस डॉक्टर ने की थी, तो उनके पास मैं गई, तो उनको बोला मतलब पूछा, मैंने बोला तुम ही पूछो ऐसा करके इनके पास बोला, तो ये बोला मतलब डॉक्टर बता सकते हैं क्या मतलब मेरी वाइफ के पेट में मतलब लड़की है या लड़का है, तो फिर फर्स्ट डॉक्टर ने इनको पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो इन्होंने बोला अभी तो हमारा एक लड़का है तो हमें लड़की ही चाहिए, तो डॉक्टर ने क्या बोला बताओ। तो डॉक्टर ने पहले तो डॉक्टर काफ़ी, क्योंकि आप जानते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इलीगल है, लेकिन हम लोगों ने उस तरीके से नहीं पूछा था, मतलब क्योंकि हम लोगों को वो एक एक्साइटमेंट थी जानने की, क्योंकि हर एक माँ बाप को होती है कि भाई कौन आने वाला है घर में, लड़का है या लड़की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमको अल्लाह जो देगा हमको उससे ये था कि हम उसको कबूल कर देंगे, लेकिन ऑब्वियसली अब अगर घर में एक लड़का है तो आप लड़की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्योंकि सबिया और मुझको लड़की एक्सपेक्टेड थी फर्स्ट एज अ फर्स्ट चाइल्ड, तो हम लोग सोच रहे थे कि चलो ठीक है अल्लाह ने उनको लड़का दिया तो क्या पता इस बार लड़की दे दे, तो इसलिए हमने उस वे से पूछा उनसे कि भाई
डॉक्टर मतलब हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें, लड़का करे कि लड़की करे, क्योंकि हम लड़की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई लड़की एक्सपेक्ट कर रहे हो तो तुम मतलब अगर लड़का हो तो तुम क्या करोगे, तुम मतलब फ्री में हॉस्पिटल को दे दोगे? तो हमने कहा कि नहीं, मतलब हम लोग जस्ट एज एन एक्साइटमेंट से पूछ रहे हैं। तो फिर डॉक्टर ने हमको, अब ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने एकदम डायरेक्ट बोला, लेकिन उन्होंने एक्साइटमेंट में ये बोला भाई ठीक है, मतलब तुमको लड़का मिल चुका है, अब तुम अल्लाह से दुआ मांगो तुमको लड़की मिल जाए। हाँ। तो उन्होंने मतलब जिस तरीके से ये हिंट दिया वो हमको पहले तो समझ में नहीं आया उस दिन, जिस दिन हम लोग गए थे चेकअप के लिए। फिर रात में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे मतलब कि उस दिन क्या क्या हुआ, तब ये बात मेरे दिमाग में क्लिक हुई और सबीरा के भी कि अच्छा डॉक्टर ने हमको थोड़ा थोड़ा हिंट डायरेक्टली बोला है, लेकिन कह सकते हैं हाँ, बोल नहीं सकते हैं हाँ, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कंफर्म नहीं लिया, क्योंकि ऑब्वियसली हम ऊपर वाले की जो भी मतलब हमारे मेहरबानी, हम उसके ऊपर क्वेश्चन ही कर सकते थे कि भाई डॉक्टर ने बोला है, तो हम लोगों ने उसको ऊपर वाले पे ही छोड़ दिया। लेकिन कहीं एक छोटा सा मतलब 0.5% दिल में ये उम्मीद रखी कि अल्लाह हमसे राजी होके हमको जो ख्वाहिश है हमारी बेटी की वो हमको देगी। तो ये एक किस्सा था जो उस दौरान हुआ था, और ट्रेनिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उस दौरान चीज़ें ऐसी थी कि मतलब रेगुलर खाना था, लेकिन वो वॉमिटिंग का जो सेशन था जो सबीरा ने कहा कि वो थ्रू आउट 9 months चल रहा है। तो अब आते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे आपकी डिलीवरी पास आने वाली है और 8वां महीना हो चुका है। तो जैसे हमने आपको कहा था कि फर्स्ट कैंप में जो हम हॉस्पिटल गए थे और वहाँ पे हार्ट बीट नहीं हो रही थी, तो आयन के टाइम पे भी जब ये होता था कि मैं मतलब सबीरा को पूछता था मतलब कि बेबी मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे भी देखना है, क्योंकि कभी कभी बेबी होता है वो मतलब एक लात मारता है, घूमता है, तो वो एक्साइटमेंट थी। तो 8 महीने होने के बाद मैंने सबीरा से पूछा कि मतलब ऐसा कुछ मूवमेंट है, तो मूवमेंट अचानक सडनली मतलब हम लोग फिर डर गए और हम लोग फिर वैसे हॉस्पिटल में गए जहाँ पे हम लोग सबीरा का चेकअप करा रहे थे। और उस दौरान हमको पता चला कि मतलब जो बेबी के लंग्स हैं वो डेवलप नहीं हुए। तो उस दिन हम लोग पूरा दिन हॉस्पिटल में थे और मतलब हम लोग इतने डर चुके थे कि उनको पता नहीं था, और हम लोग ऑब्वियसली 8 months डिलीवरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और हम चाहते थे कि मतलब जो डिलीवरी हो वो नॉर्मल रेगुलर जो टाइम है उसका जो सेट है उसी टाइम पे हो। हालांकि हॉस्पिटल और जो स्टाफ हमको आयान के टाइम से मालूम था काफ़ी अच्छा था, तो हम लोगों ने मतलब टेंशन लिया, लेकिन हमको मालूम था कि भाई जो मतलब जो स्टाफ है वो संभाल लेंगे, जो डॉक्टर्स हैं वो संभाल लेंगे। तो उस दिन पूरे दिन सबीरा हॉस्पिटल में रही और इंजेक्शन भी दिए, और उसके बाद में चीज़ें नॉर्मल हुई। अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मतलब उस वक्त संभाल लिया हर एक पेशेंट को, और फिर सब सही होने के बाद हम घर आ गए। और उसके बाद कुछ दिन बाद इतना मतलब मुझे फीवर हो गया था, मतलब टैबलेट खाने से भी कुछ भी मतलब नॉर्मल नहीं हो रहा था। तो मैं रात को ही गई थी ना, रात को शाम को ऐसा 7-8 बजे में इन्होंने बोला चलो अभी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत बुखार है, तो मैं तो हाई फीवर हो गया था, तो ये लेके चले गए थे 8 बजे। मेरे भाई भी आया था तब उस टाइम पे, मेरी बहन भी आई थी, सब लोग मिलके साथ में चले गए थे। तो डॉक्टर ने बोला अभी तो इसको मतलब ग्लूकोज देना पड़ेगा, तो आपको मतलब हॉस्पिटल में शायद रात को रहना भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ग्लूकोज के ऊपर। और उन्होंने पैरासिटामोल भी दिया था, तो वो खा के पर अल्हम्दुलिल्लाह 3 घंटे या 2 घंटे के अंदर ही फीवर एकदम नॉर्मल हो गया था, और ग्लूकोज चढ़ाने के बाद मैं भी नॉर्मल हो गई थी सब कुछ। तो उन्होंने रात को 10:30 या 11 बजे मुझे डिस्चार्ज दे दिया था, तो रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और बस तो डिलीवरी के टाइम की बात बताएंगे अभी, तो सबसे मतलब कह सकते हैं कि देखिए मुझे इतना मैं बस नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि जब भी मैं ये सोचता हूँ ना उस इंसिडेंट के बारे में तो काफ़ी, क्योंकि आयान के टाइम पे भी ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम्स उधर सपोर्ट नहीं मिला, तो इनायन के टाइम पे भी वही कंसर्न्स थे। तो यहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर था नहीं, मैं था ऑफिस में और सबीरा एकदम ड्यू डेट के पास में थी, तभी भी मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेबी की डिलीवरी हो। तो उस वक्त मेरे पास बाइक नहीं होती थी और सबीरा घर में आयान के साथ थी,
तो अगस्त सितंबर कह सकते हैं कि मानसून का टाइम था, तो बारिश काफ़ी हो रही थी बैंगलोर में। तो रात में मैं उन दिनों में नाइट शिफ्ट किया करता था, तो मैं ऑफिस में था और काफ़ी उस दिन बारिश हो रही थी। तो मुझे सवेरा का सडन फ़ोन आता है और बोलते हैं कि मतलब आई थिंक सिम्टम्स हैं कुछ मैं बोलती हूँ हाँ जो मतलब है। तो ये आपको बताएंगे कि वो उस समय मतलब माहौल कैसा था। तो उस टाइम इनका नाइट शिफ्ट चल रहा था और उस टाइम पे हमारे घर में इन्वर्टर भी नहीं था और करंट भी मतलब शाम से ही मतलब बारिश बहुत बारिश हो रही थी उस दिन, तो करंट भी नहीं था। तो उसी दिन फिर रात को 2 बजे मुझे मतलब वाटर ब्रेक हुआ जो लेडी को होता है, तो मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी के तो आयन के थ्रू में इसलिए मुझे वो पता था, तो मुझे डाउट हुआ। तो मैंने फर्स्ट कॉल मैंने अम्मी को कॉल किया, तो अम्मी ने बोला तो एक काम कर अर्फन को जल्दी बुला, वो मतलब सिम्टम्स ऐसा ही है, मतलब मुझे लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ था, सिर्फ पानी ये हो गया था। तो अर्फन को कॉल कर, तो मैंने अम्मी ने बोला तू फोन कट कर उसको तुरंत कॉल कर। तो मैंने अर्फन को कॉल किया, तो मैंने बोला मतलब मेरा ऐसा ऐसा हो रहा है तुम जल्दी आ जाओ। तो बोला अभी मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरे पास तो बाइक भी नहीं है और बारिश भी बहुत हो रही है, और आऊँगा तो भी मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि बारिश की वजह से हर जगह पानी भर जाता है। तो रात के टाइम पे तो ट्रैफिक नहीं मिलता है, पर पानी की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और ओला उबर मिलने भी मुश्किल हो रहा था उस टाइम में, और ओला उबर का उस टाइम में शायद कुछ स्ट्राइक भी चल रहा था, कुछ चल रहा था उस टाइम में। तो बोला थोड़ी देर तुम रुको, मैं मतलब आधा घंटा 15-20 मिनट में आ जाऊँगा, ऐसा कोशिश करता हूँ ऐसा करके। तो उन्होंने ऑफिस में क्या बोला क्या नहीं बोला वो तो यही बता रहे थे कैसे आया। उस वक्त मैंने ऑफिस में बोल रखा था कि एक्सपेक्ट कर रही है और कभी भी मतलब ड्यू डेट के पास में है, लेकिन आप जानते हैं प्राइवेट कंपनीज में एकदम तुरंत निकलना। तो जैसे सवेरा का फ़ोन आया तो मेरे पास ये टेंशन थी, मेरे पास बाइक नहीं थी, बारिश हो रही थी, और आप अगर आप किसी भी सिटी में रहते हैं तो आपको पता होगा कि अगर आप बारिश में कोई भी टैक्सी या ओला उबर कुछ भी बुक करेंगे तो आपको जल्दी गाड़ी मिलेगी नहीं, और ऑब्वियसली ट्रैफिक भी इतना होता है कि अगर आप बुक भी करते हैं तो भी आपको मिनिमम 1 घंटा लग जाएगा। तो मेरे घर से जो ऑफिस है इज़ ऑलमोस्ट लाइक 15-30 मिनट्स, लेकिन अगर बारिश होती है या फिर ऐसा कुछ सीन होता है कभी ट्रैफिक का तो 1 घंटा से ऊपर हो जाता है ट्रैफिक की वजह से। हाँ, तो उस टाइम मैंने बोला ठीक है तुम आ जाओ, क्योंकि मेरा ड्यू डेट था 27 सितंबर और उस दिन था 5 सितंबर, इनायत हुई थी 6 सितंबर को, तो रात नहीं 6 सितंबर भी हाँ नाइट मतलब 2 बजे मैंने कॉल किया है इनको। तो मैंने सोचा ये तो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं जल्दी जल्दी से मैं थोड़ा सामान मतलब पैक कर लेती हूँ क्योंकि आयन को भी देखना है, और हमारे साथ कोई भी मतलब नहीं था हेल्प करने के लिए। आयन के टाइम में तो मेरे फ्रेंड्स थे मतलब इनके फ्रेंड्स की वाइफ, पर इनाय के टाइम में कोई भी नहीं थी। तो मैंने सोचा मैं बैग पैक कर लेती हूँ, तो जल्दी जल्दी में मैंने 2-3 नाइटी डाल दिया क्योंकि मेरा टाइम नहीं था, और उसी दिन मैं सुबह चेकअप में गई थी तो डॉक्टर ने बोला और 10 दिन या 1 हफ्ता लगेगा, अभी टाइम है ऐसा करके बोला था। तो हमने सोचा थोड़ा टाइम तो लगेगा। आप सोच सकते हैं मतलब ये सबिया की हिम्मत की थी, उनको पेन भी आ रहा है, मतलब हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो गया है, उनका तकरीबन 5-6 साल का बेटा भी है यार, उसको उठाना भी है नींद से, रात के 2 बज रहे हैं। तो सबीरा ने काफ़ी हिम्मत दिखाई उस वक्त, उसने मुझे फ़ोन भी किया, और ऐसा भी नहीं था कि जब क्योंकि जैसे ही मैंने कहा कि मैंने जैसे सबीरा फ़ोन आया तो मैंने ऑफिस में बोला मैंने बुक कर दी थी कैब, लेकिन उस वक्त मुझे ऑफिस मतलब ऑफिस की कैब भी नहीं मिल रही थी क्योंकि ऑब्वियसली ऑफिस से कैब आपको थोड़ा जल्दी बुक करना पड़ता है, और ये ओला उबर भी नहीं मिल रही, 1 घंटे का वेटिंग आ रहा था। तो इधर मैंने सभी को बोल रखा था कि तुम सब रेडी कर लेना, मैं पहुंचूंगा फिर हम लोग तुरंत निकलेंगे। तो उस टाइम में मैंने पहले तो अपना बैग पैक किया जो जो मतलब सामान चाहिए मुझे डिलीवरी के बाद, और बच्चे के लिए भी मतलब न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी मैंने आयन का थोड़ा पुराना कपड़ा था, हमने तब नया कपड़ा हमारे में नहीं खरीदते बच्चा होने के बाद ही खरीदते, तो आयन का थोड़ा सा कपड़ा था तो वो ले लिया था, और थोड़ा सा मतलब लेडीज का जो पीरियड्स का ये होता है तो वो ले लिया था। फिर मैंने सोचा एक पानी बोतल रख लेती हूँ क्योंकि मुझे भी जरूरत पड़ सकती है और आयन को भी जरूरत पड़ सकती है, तो 2 बोतल रख ले लिया था, आयन का स्कूल का बोतल में पानी भर लिया था और एक मेरे लिए एक बोतल में भर लिया। तो मैंने सोचा मैं तो डिलीवरी पेन में मतलब पता नहीं हूँ वो होश में रहूंगी कि नहीं रहूंगी, मेरे बेटे को कौन देखेगा, मैं सेकंड बेबी के बारे में सोच पर पहले बेबी के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। तो मैंने सोचा 2-3 पैकेट बिस्किट था घर में तो मैंने वो भी भर लिया, और आयन के लिए थोड़ा जैकेट ले लिया, और थोड़ा मतलब
हॉस्पिटल जाके अपनी डिलीवरी के लिए कि पिकनिक पे जा रहे हैं। हाँ, मतलब पूरा पैकिंग कर रही थी और मैंने सोचा आयन का भी एक दो जोड़ी ले लेती हूँ, मतलब कपड़े का, क्योंकि बाई चांस सेंस करना पड़ेगा और मैं तो डिलीवरी के बाद तुरंत हॉस्पिटल से आऊंगी नहीं आऊंगी, नॉर्मल डिलीवरी होगा सीजन होगा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था उस टाइम पे। और बारिश का मौसम था तो बहुत ठंड भी था, तो मैंने आयन का जैकेट भी मतलब बैग में सब कुछ रख लिया था। तो मैंने आयन को उठाया, आयन तब 5 साल का था, तो मैंने बोला आयन जल्दी जल्दी उठो, हमें बेबी लेने के लिए जाना है ऐसा करके। तो उसको तो पता था बेबी आएगा करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे आयन भी मतलब 5 साल का था पर फिर भी बहुत मतलब ये मैच्योर बोल सकते हैं उस टाइम में। तो एक ही बार में वो उठ गया था, मतलब हाँ एक ही बार में उठ गया था। तो मैंने उसका सिर्फ फेस धुलाया और मैंने बोला तुम पापा के साथ रहना, मैं बेबी लेने के लिए अंदर हॉस्पिटल में जाऊंगी, तो तुम पापा को मतलब डिस्टर्ब मत करना, मत चलाना और मैं बेबी लेके आ जाऊंगी तो सुबह तक आ जाऊंगी। तो वो बोला हाँ ठीक है। तो हम दोनों वो नींद में था फिर भी मतलब होश में था मतलब, तो रात को 2:30 बज गया था तब। और छोटे बच्चे को तो टाइम पे तो बड़े लोगों को भी इतना नींद आता है, तो वो तो छोटा था फिर भी पर तब 2:45 तक ये आ गया था, उबर में आ गए थे ना। हाँ, तो मतलब एक घंटे बाद मुझे उबर मिला और काफी ट्रैफिक में फंसते फंसाते मतलब मैं घर पहुंचा। अब दिक्कत ये थी यहाँ से, क्योंकि ये बहुत बड़ा मतलब क्लाइमेक्स था हमारे का मतलब स्टोरी का, क्योंकि अब जो उबर है आपने जो बुक की है, जब उसका जो ट्रिप ख़त्म होगी तो आप सेम उबर में नहीं बैठ सकते, आपको उबर बुक करनी पड़ेगी। तो आपको या तो वो सेम कैब मिल सकती है लकीली, या फिर कुछ दूसरी मिलेगी। अब हमारे पास उस वक्त ऐसा मौसम था कि बारिश बहुत खतरनाक वाली बारिश हो रही थी और करंट नहीं था घर में, और अब मुझे यही होगा कि हम लोग हॉस्पिटल कैसे जाएंगे, क्योंकि हम मैं ऑफिस से घर तो पहुंच चुका हूँ लेकिन मैं सभी लोगों के हॉस्पिटल कैसे जाऊँगा। तो उस वक्त कह सकते हैं कि मतलब जो उबर का ड्राइवर था वो एक फरिश्ते जैसा काम नहीं था। उसने मुझे आइडिया दिया कि सर आप एक काम कीजिए, आप बुक कीजिए मेरी गाड़ी में बैठ के, बारिश हो रही है बाहर, आप देखिए कि गाड़ी कौन सी मिलती है, क्या पता आपको ये मिल जाए, आप कोशिश कीजिए। और वो भी तब तक रुका हुआ था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, क्योंकि मुझे उतना अंदाज़ा नहीं था कि शायद ये सेम गाड़ी मिले, तो मैंने बुक करी गाड़ी। और उबर वाले की इतनी मेहरबानी थी, मतलब अल्लाह हमारे साथ इतना मेहरबान था कि हमको वही उबर मिली जिसमें मैं आया था और तुरंत मिल गया, तुरंत एकदम। आप सोचिए कि मतलब कि मैंने बुक की है और घूम फिर के वही गाड़ी नंबर, वही रजिस्ट्रेशन नंबर, वही। तो और जो ड्राइवर था मैंने उसको आपको भी बताया था कि मैं ऐसा सीन है, तो वो भी चाहता था कि अपनी हेल्प करूँ आपको, लेकिन वो ये बोल रहा था कि अगर आप बुक नहीं करेंगे और मेरी गाड़ी नहीं आएगी तो मैं आपको विदाउट मतलब उनमें वो सिस्टम नहीं ऑटो वाला कि वो मीटर घुमा दिया नीचे अपने हिसाब से चले गए या फिर ऊपर घुमा दिया तो अपने हिसाब से चले गए। तो उसने बोला कि सर वो रूल्स के खिलाफ है, तो आप ये देखिए। लेकिन जब कहते हैं ना कि ऊपर वाला मेहरबान, तो वो वाली चीज़ थी। और फिर हमको उबर मिली और लेकिन उसमें भी एक झोल झमाल हो गया कि सब सवेरों का मैंने बिठा दिया गाड़ी में, आयन को बिठा दिया, मैं भी बैठ गया गाड़ी, मतलब हम लोग निकल रहे हैं। आधे रास्ते मुझे दिमाग मेरा मतलब ये हो गया था, क्योंकि मैं गाड़ी से उतरा था तो मैंने अपना ऑफिस का बैग वैग सब उतार के रखा था, लेकिन मैं वो अपना वॉलेट लेना भूल गया। और ऐसे ही बारिश में हम लोग मतलब इधर सवेरा के मतलब पेन में और पहुँचते हैं, देखते हैं कि वॉलेट नहीं। अब वही कहानी, और वॉलेट में मतलब मेरा हॉस्पिटल का कार्ड भी था, वो भी नहीं। फिर मैंने भाई रिक्वेस्ट किया हुआ भाई साहब को कि भाई आप कुछ किए, तो उस वक्त उन्होंने सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए बोला कि इस बार आप ट्रिप की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे कुछ पैसे दे देना, मैं आपको घर छोड़ के आता हूँ। फिर मैं वापस गाड़ी में गया और घर पहुंचा, वॉलेट लिया और फिर दूसरी गाड़ी बुक की और घर पहुंचा। तब तक मैंने सवेरा कहा था होटल पे नहीं, मैं मुझे मतलब हॉस्पिटल में छोड़ के आ गए थे और तब मेरा मतलब कुछ ये सब स्टार्ट हो जाता है ना, तो हो गया था। पर मेरा मतलब तो डॉक्टर ने बोला अभी तो रात के 3:30 या 4 बज रहे थे, तो बोला अभी टाइम है, चेकअप किया तो बोला अभी टाइम है, मतलब अभी डिलीवरी नहीं होगा, होगा तो भी कल दोपहर 1:30 बजे तक ही होगा, अभी तो नहीं होगा क्योंकि टाइम है। जो लेबर पेन आना चाहिए वो नहीं आ रहा था, मतलब 5-10 मिनट के बाद आ रहा था। तो मतलब उसको मतलब सेम जैसे आयन के टाइम भी हुआ था, हम लोग गए थे तो वो बोलते थे कि 5-8 मिनट के बाद पेन आएगा, तभी होगा 2 मिनट के बाद। तो वो पेन का जो फ्रीक्वेंसी था वो थोड़ा स्लो था, फास्ट की जगह सेकंड सेकंड में आना है, तो मुझे 5-10 मिनट के बाद आ रहा था।
तो लेबर रूम में भी कोई भी नहीं था और ये इनको तो मतलब लेबर रूम में जाने के लिए अलाउ नहीं था, कोई लेडी है तो ही मतलब अलाउ करते हैं। तो लकीली उस दिन मतलब वही नर्स थी जो नर्स ने मेरे मतलब आयान के टाइम में मेरे मतलब मुझे हेल्प किया था और वो उसके साथ में कॉन्टेक्ट में थी मतलब तब से पाँच साल से। तो उस दिन उसका भी नाइट शिफ्ट था, मतलब उस दिन उसका नाइट शिफ्ट नहीं था तो उन्होंने बोला मेरा आज नाइट शिफ्ट नहीं था, मुझे कल कहीं जाना था पर वो कैंसिल हो गया, इसके वजह से मैंने आज नाइट शिफ्ट ले लिया। मतलब आप कह सकते हैं कि वो दिन किसी मौजज़े से मतलब मिरेकल से किसी जादू से कम नहीं था, जो ऑब्वियसली अल्लाह का जादू था क्योंकि अल्लाह ने सोचिए वही कैब हमको दिलवाई हॉस्पिटल के लिए और वही नर्स मिली और मतलब जो माहौल था ना, मतलब जैसे आदमी फ्लैशबैक में घूमता है ना कि अरे कुछ दिन पहले कुछ साल पहले तो मैं आयान के टाइम पे भी इसी सिचुएशन में था क्योंकि मेरे साथ में कोई था नहीं उस वक्त, मैं अकेला था, वाइफ प्रेग्नेंट, डिलीवरी में उसको ये किया और मुझे कुछ आइडिया नहीं कि अब क्या होगा, अब क्या है, अब क्या करना है, मैं नर्वस था काफ़ी। तो लेकिन अल्लाह ने मतलब इतना कह सकते हैं ना मतलब हम पे अपनी दुआ बरसाई कि हम मतलब जो सोच भी नहीं रहे थे कि भाई वही नर्स मिलेगी तो जिस नर्स ने आयान के टाइम पे हेल्प की थी, अरे वही ऐसी चीज़ें होंगी तो नर्स भी मतलब इनको लेबर रूम में देख के मतलब शॉक हो गई थी। अरे तो और मैं जब चेकअप में भी जाती थी ना तो मतलब पूरा नौ महीने के दौरान मैंने उनसे कभी भी नहीं मिला, मतलब मैं जब भी जाती थी उस दिन वो मतलब नाइट शिफ्ट या फिर डे शिफ्ट में लेबर रूम में रहती थी तो इसके वजह से मुझे कभी भी मिल नहीं पाती। और उसी दिन उनको जो नाइट शिफ्ट कर रही है नर्स उस मतलब डे शिफ्ट कर रही है या फिर नाइट शिफ्ट कर रही थी ऐसा कुछ था, लेकिन हमारे टाइम पे उस दिन उसने नाइट शिफ्ट मिल गया तो मतलब इसको किसी और उस टाइम में मतलब थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना पड़ता है तो उस टाइम में आप इतना होश में नहीं रहते क्योंकि लेबर पेन भी रहता है तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन भी डाल दिया था लेबर पेन आने के लिए पर थोड़ा थोड़ा आ रहा था पर इतना भी नहीं, पर लेडीज को पता होगा मतलब वो लेबर पेन कैसा होता है तो उस टाइम में उसने ही मतलब मुझे पूरी रात मतलब ये रात के 3 बजे से एकदम पूरा एकदम जब तक डिलीवरी नहीं हुआ था तब तक वही थी। और उस दिन वो मतलब सुबह में उसको चले जाना था सहायता क्योंकि उन्होंने नाइट शिफ्ट किया था पर उस दिन वो रुकी थी जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ था, बच्चा पैदा होने के बाद ही वो गई थी तो सही मुझे पानी पिलाया। सबीरा के साथ जब ये सब हो रहा था लेबर रूम में तो ऑब्वियसली आपको रूम बुक करना पड़ता है तो हम लोगों ने बुक करवाया था सनी डीलक्स रूम, तो सनी डीलक्स रूम में वन साइड किसी ऑपरेशन था ना वन साइड हमारा था। अब क्योंकि मेरे साथ कोई लेडीज थी नहीं तो सेमी डिलक्स रूम ऐसे पड़ा हुआ था मतलब खाली था ऑब्वियसली, अब जब तक सबीरा की डिलीवरी नहीं हुई तो खाली था और आयान और मैं जो थे आई थिंक सबीरा को वो फोटो दिखा सकेंगी इस वीडियो में, तो आयान को उस वक्त सुलाना बहुत मुश्किल था क्योंकि ऑब्वियसली बाहर दो बेंच थी जो आप स्कूल में देखते हैं जो बेंच होती है तो आप उसको सुलाना क्योंकि रात हो चुकी थी, वो भी काफ़ी परेशान था इन चीज़ों में। तो मैंने उसको सबीरा की एक शॉल है ब्लैक कलर की वो मैंने उसको बिछा दी और मैंने फिर उसको सुला के फिर उसको रैप कर दिया और उसको बोला कि तू सो जा सुबह बेबी लेकर आएंगी। तो ये मत और गेट जो शटर था मतलब सिक्योरिटी वाले ने उन्हें बंद कर दिया तो मैं अब मतलब अंदर क्या चल रहा है और क्या हो रहा है मतलब आवाजें भी आ रही हैं, सिर्फ आवाज आ रही थी ना मेरी आवाज आ रही थी, इनकी आवाज आ रही थी और दूसरे लेडीज की भी आ रही थी तो मैं तो फिर मतलब उस दिन मैं बहुत डर गई थी मतलब मेरे साथ दो तीन मतलब मैं जिस टाइम पे गई थी रात के 3 बजे पहुंची थी उस टाइम में एक दो लेडी की मतलब डिलीवरी हो रही थी उसी टाइम में तो वो लेबर रूम में ना 4-5 लोगों को एक साथ में करते स्किन डाल के पर मतलब दिखाई नहीं देता है पर आवाज पूरा सुनाई देता है, एक ही रूम है ना तो बहुत बड़ा हॉल जैसा रहता है तो सुनाई दे रही थी और तो मतलब जो जो लेडी का मतलब डिलीवरी हो रहा था ना तो नया थी मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी था उनके लिए तो उनको देख के मैं बहुत डर गई थी। तो मेरे जिस साथ जो सिस्टर थी नर्स थी तो उन्होंने बोला तुम टेंशन मत लो क्योंकि तुम्हारा सेकंड डिलीवरी है और सेकंड डिलीवरी में फर्स्ट डिलीवरी से थोड़ा कम रहता है, फिर भी मुझे मतलब डर था कि फर्स्ट डिलीवरी कैसा हुआ था तो मुझे वही मतलब टेंशन था कहीं ऐसा ही ना हो। पर हाँ सच बोलते हैं फर्स्ट डिलीवरी से सेकंड डिलीवरी थोड़ा सा कम पेन होता है, थोड़ा मतलब इतना भी कम नहीं होता है पर थोड़ा कम होता है। लेकिन ये जो पूरा मतलब जो सफर है मतलब एक्सपेक्टेशन से 9 महीने और उसके बाद डिलीवरी का
ये हमारे साथ भी कुछ ऐसा गुजरा है कि मतलब आप इसको एक वीडियो में या किसी ब्लॉग में आप उसको बयान नहीं कर सकते, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जितना पेन, जितना मतलब लेबर एक लेडी लेती है, हस्बैंड भी उतना ही साथ देता है, लेकिन जो मेन जो मजबूत होकर खड़ी रहती है वो होती है औरत। मतलब ऑब्वियसली एक इंसान को तब पता चलता है एक औरत की वैल्यू अगर वो कभी किसी की डिलीवरी देख ले, मतलब खासकर अपनी वाइफ की, क्योंकि आपको पता चलेगा, क्योंकि आप अम्मी, मतलब आप अपनी अम्मी को भी, अब जब अम्मी को तो आप उस टाइम पर आप दुनिया में आते हैं तो आपको पता नहीं होता कि क्या होता है, लेकिन सच मायनों में मेरे लिए मतलब लेडीज की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर आप इतना, मतलब आप एक लेडी लेबर लेती हैं, पेन लेती है, और उसको मतलब उसको अल्लाह ताला इतनी हिम्मत देते हैं कि वो उसको सह सके, बर्दाश्त कर सके, और तब जाके उसको वो एक मकाम मिलता है जिसको हम माँ बोलते हैं, राइट। तो ये मतलब इनाया के टाइम भी मुझे ऐसा नहीं था कि मतलब सेकेंड चाइल्ड आसानी से है ये, मतलब मैं बोलूँगा कि दुनिया में अगर कोई पहला पेन है, अगर कुछ भी मतलब हो आर्मी कुछ भी हो, मतलब पहला पेन जो है वो है लेबर पेन, उससे बड़ा पेन दुनिया में हो ही नहीं सकता। उसके बाद छोटे मोटे जो भी हैं दूसरे वो सेकेंडरी, बट वो पेन है, और आपको जो खुशी मिलती है जब बेबी आपके हाथ में होता है, तो वो खुशी मतलब अलग ही लेवल की खुशी होती है। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब सी सेक्शन के लोगों को मतलब पेन नहीं होता है, उनको भी पेन होता है, बहुत पेन होता है, ऐसा नहीं है। सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी से मतलब नॉर्मल डिलीवरी को मतलब ज्यादा पेन होता है, सी सेक्शन को तो क्या मालूम, उनके तो ऑपरेशन कर दिया। हाँ, उस टाइम में वो लेबर पेन थोड़ा उनको नहीं मिलता है, पर बाद में जाके मिलता है, तो दोनों का ही सेम ही रहता है, सिर्फ एक पर्सन का ही मतलब थोड़ा डिफरेंस रहेगा। और मेरा जो रियल पेन, लेबर पेन स्टार्ट हुआ था वो 8 बजे से स्टार्ट हुआ था, सुबह 8 बजे से, और 11:10 में इनाया हो गई थी। तो जब इनाया हुई थी तो मेरा तो नॉर्मल डिलीवरी हुआ था, तो डॉक्टर ने ऐसे पाँव में मतलब इनाया को पकड़ के उठा के, मुझे मेरे पास बोल नहीं रही थी लड़की हुआ है लड़का हुआ है, तो सिर्फ उठा के ऐसे बोल रही थी क्या हुआ है बोलो ऐसा करके, मैंने बोला लड़की, ऐसा करके बोला ना, तो बोला तुमने तो लड़की मांगा था ना, तो मैंने कहा था ना, तब मुझे वो रियलाइज हुआ जब हमने उनको चेकअप में टाइम पूछा था, तो मतलब वो इनडायरेक्टली बोल ही रही थी कि मतलब तुम्हें पेट में मतलब लड़की ही थी करके। तो ये वही चीज हो गई ना कि मतलब जब आपको ऊपर वाला देता है कोई चीज, लेकिन वो आपको जाहिर नहीं करता है कि मैं तुमको ये देने वाला हूँ, क्योंकि कोई भी मतलब चीज जब आपको ऊपर वाला देता है ना खुशी से, तो वो जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो जाहिर कर देंगे तो खुशी किस बात की, राइट। तो जब चीज़ कोई चीज़ आपको मिलती है खुशी विदाउट एक्सपेक्टेशन या फिर विदाउट नॉलेज, तब उसकी खुशी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम सरप्राइज बोलते हैं, राइट। तो ये ऊपर वाले का सरप्राइज था हमारे लिए, क्योंकि हम लोग भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि लड़की होगी, 50-50 था, लेकिन जब वो कन्फर्म हो गया और जब मतलब इनाया पैदा हो गई थी तो डॉक्टर ने दिखाया, तब मेरा मतलब लेबर पेन कहाँ गया मुझे वो टाइम में मतलब याद ही नहीं, और मतलब मैं खुशी से रो रही थी कि मतलब अल्लाह से मैं लड़की मांग रही थी और फाइनली मुझे लड़की मिल गई करके। तो मैंने बोला डॉक्टर को पहले आप मुझे मेरे मतलब हस्बैंड को बता दीजिए, तो बोला बेबी को फर्स्ट मतलब नहाएंगे फिर बाद में तुम्हारे हस्बैंड को देंगे। तो मैंने बोला मतलब जो नर्स थी उसका नाम अंजलि था, तो मैंने बोला अंजलि तुम ही बता दो ऐसा करके, क्योंकि वो भी वेट कर रहे हैं ना, तो बोला मैं पहले बता के आती हूँ ऐसा करके, तो जाके तुरंत बता के आई थी ना लड़की मिली। और मेरी एक्साइटमेंट की लेवल तो मतलब किसी दूसरे आश्रम पे थी, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपेक्ट लड़की कर रहे थे, लेकिन हाँ उसके चैनल के साथ में ये भी मतलब काफी टेंशन थी कि सभी का ठीक ठाक है और हेल्दी हो, मतलब लड़की हो या लड़का हो उसमें कोई फर्क नहीं करता, मतलब टेंशन की बात इसलिए थी क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे कोई लेडी थी नहीं मेरे साथ, फैमिली मेंबर कोई नहीं था, मैं ऑल इन ऑल अकेले सब चीज़ें देख रहा था। और वो जो रात होती है ना डिलीवरी रात, एक तो वो भारी होती है फॉर ए लेडी ऑब्वियसली, लेकिन वो जेंट्स मतलब हस्बैंड के लिए भी उतनी ही भारी होती है, क्योंकि उसको उस दिन मतलब ये होता है कि मतलब वो एक रात मतलब एक साल के बराबर लगता है, मतलब आज रात गुजर ही नहीं रहा, टाइम देखते हैं ना
अभी मतलब ये 5 मिनट ही गुजरा है क्या, मतलब ऐसा लगता है मतलब मैंने ऐसे तो बहुत सारी नाइट शिफ्ट की है, लेकिन वो जो नाइट शिफ्ट थी या शिफ्ट नहीं लेकिन जो वो नाइट थी रात थी वो इतनी लंबी थी कि मुझे लग रहा था कि मतलब अभी डिलीवरी हो जाए सब कुछ, मतलब इंस्टेंट मूड मैगी जैसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है वो, क्योंकि वो इम्तिहानी घड़ी है एक तो औरत के लिए भी और एक हस्बैंड के लिए भी, क्योंकि वाइफ की इम्तिहान ये होता है कि उसको जो 9 महीने का जो ऊपर वाला फल देगा वो आपको, क्योंकि ऑब्वियसली एक औरत को एक मकाम जो मिलता है माँ का वो ऐसे ही नहीं मिलता है। इसलिए तो बोलते ना कि माँ के पाँव की मुझे जन्नत है, तो वो जन्नत ऐसे नहीं मिलती, तो ऊपर ने वो रखा है औरत के लिए कि उसको वो पेन के थ्रू जाना ही है। तो हस्बैंड का भी होता है कि भाई अब उसकी वाइफ है वो ठीक ठाक है कि नहीं, उसको वाइफ भी चाहिए उसको बच्चा भी चाहिए, ताकि कोई मेडिकल इश्यूज ना हो किसी के साथ में, कुछ अल्लाह ना करे कुछ हो, तो वो भी रहता है। और सबिया जो है वो मतलब मैडम जो है वो डिलीवरी के बाद में नॉर्मल डिलीवरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, मैडम मतलब डॉक्टर ने बोला है कि अभी अभी मतलब फ्रेश फ्रेश डिलीवरी हुई है आप तो आराम से रहिए। हाँ क्या हुआ कि उस टाइम में बच्चे को भी नहला दिया, मेरा भी मतलब जो भी होता है ना डिलीवरी के बाद वो सब कर दिया था, तो उन्होंने बोला तुम चेयर पर बैठो, चेयर था पास में नहीं सोफा था, तो बोला सोफा पे बैठो मैं व्हील चेयर लेके आती हूँ रूम तक जाने के लिए, मतलब रूम मतलब इतना दूर भी नहीं है यहाँ से, मतलब थोड़ा पास में ही है मतलब। तो नर्स ने बोला, डॉक्टर तो चली गई थी लेबर मतलब डिलीवरी करा के, तो नर्स थी और एक नर्स थी वो अंडर थी, तो जो मेरी मतलब फ्रेंड थी, तो उसने बोला मैं व्हील चेयर लेके आती हूँ तुम बैठो बेबी को पकड़ो, वहाँ पर ही मुझे दे दिया था, उनको दिखा के आए थे शायद ना, हाँ बेबी को दिखा के आए, तो मैं बेबी को लेके फिर वो शायद व्हील चेयर उसको मिल नहीं रहा था, उस फ्लोर में था नहीं शायद, नीचे गई थी या क्या गई थी मुझे पता नहीं चला, तो ससुरी इतना मतलब 15-10 मिनट्स में वेट कर रही, वो आ ही नहीं रही है, चलो कितना थोड़ी है रूम तो पास ही है ना, मतलब मुझे पहले से इन्होंने जो हमारा रूम था तो अपोजिट में था, ये लेबर रूम था ये हमारा मतलब रूम था, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं मैं लेके जाएगा, फिर मैं बच्ची को लेके उठा के चल के आ रही थी, तो दूसरी नर्स आ रही थी, ये आपका तो अभी डिलीवरी हुआ है तो आप चल के क्यों आ रही है ऐसा बताइए, मैंने बोला हाँ पर डिलीवरी हुआ है, पर मुझे इतना मतलब इतना क्या मतलब पेन ही नहीं था, कुछ भी पेन ही नहीं था, तो मैंने बोला पेन ही नहीं है ना अभी इसमें मैं चल के जा सकती हूँ, हाँ पर ये मतलब रूल के खिलाफ है आपको व्हील चेयर में जाना पड़ेगा नहीं तो डॉक्टर हमें डांटेंगे क्योंकि अभी तुम्हारा डिलीवरी हुआ है, आधा घंटा भी नहीं हुआ है, वो स्टेबल नहीं है ना, तो वो चीज़ें मतलब ऐसी होती हैं कि आपको पता नहीं था कि मतलब वो करना क्या है, लेकिन सवेरा तो सवेरा है अपनी घूम में थी नहीं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों के टाइम पे ही एक भी स्ट्रेसेस नहीं आया था, तो इसके वजह से मैं साइड सेल फिर रही थी मतलब, तो अगर एक भी स्ट्रेस आता मतलब तो मुझे चलने का मतलब इतना हिम्मत नहीं होता, इसीलिए तो ये थी हमारी स्टोरी सेकंड प्रेगनेंसी की इनाया की। आपको जल्दी से मिलाते हैं उस लड़की से जिस लड़की के ऊपर ये पूरी कहानी है और जिसने हमको इतना सताया है, इनाया इनाया आ जाओ, इनाया और इसी के साथ अगर आप लोगों को हमारा मतलब वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, तो आपको मिलाते हैं हमारी मीडिया रानी से इनाया से, माशाल्लाह से अब इनाया को तो ये कहानी समझ में जब भी फिलहाल नहीं आएगी, ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब समझ में आएगी किसके अबू उम्मी को मतलब इसने कितने तारे दिखा दिए दिन में तारे जमीन पर तो प्लीज़ हमारे इस स्टोरी को इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपके साथ कुछ बेहतरीन सा शेयर करें अपनी डेली रूटीन का। सबीरा भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं, हालांकि मैं ऑफिस के काम में बिज़ी रहता हूं तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है आप लोगों से इंटरेक्ट करने का, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी के जो भी पहलू हैं जो भी ऐसे कुछ किस्से हैं जो हम आपके साथ में शेयर कर सकें आपको बता सकें और शायद उसमें थोड़ा सा कुछ हंसी मजाक हो थोड़ा सा कुछ इमोशनल कुछ हो लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपके साथ में वो बांटें आपको बताएँ ताकि आप भी हमारे साथ हंसे थोड़ा सा मुस्कुराएँ थोड़ा सा इमोशनल हो और हमारी इस फैमिली का हिस्सा बने। तो इसी के साथ में ये वीडियो आज ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इसको जरूर दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, अपना खूब सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।